أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم This is Muhammad Yunus Kasrani and you're watching Ilmi Preacher YouTube channel हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर को जो है मेनली कवर करेंगे ठीक है इंग्लिश ग्रामर में जो है आपके पास जितनी भी बेसिक ग्रामर आ जाती है जितना भी आपके पास का वो है पोर्शन है वो सारा का सारा हम कवर करेंगे ठीक है अब ये ग्रामर किसके लिए हेल्पफुल होगी एक तो आपके जो मतलब मैट्रिक के स्टूडेंट हैं एफएससी के हो गए इसके अलावा जो इंट्री टेस्ट वगैरह में जितनी भी आपकी ग्रामर आती है चाहे वो सीएसएस हो ठीक है एमडी कैट हो ई कैट हो जितने भी यानी टॉप जो आपके पास इंट्री टेस्ट होते हैं उन सब के लिए हेल्पफुल होगी ठीक है और ये जो आप साथ बुक की पिक देख रहे हैं इस बुक से इस मटेरियल को लिया गया है और ज़्यादा काफ़ी हेल्पफुल बुक है तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो ये इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पुट कर दूंगा आप वहाँ से जाके इसको मतलब वहाँ डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं ठीक है सो वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दैट के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में जो बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें उससे ये होगा कि हम जितने भी आगे इसकी वीडियोज़ अपलोड करते जाएंगे वो आपको बर वक्त मिलती रहेंगी अब इसमें यह है कि एक यहाँ पर एक और चीज़ भी बताने वाली है जो कि ये इसका फर्स्ट पार्ट है ठीक है अब हो सकता है पता नहीं इसके कितने पार्ट बने तकरीबन 10 से 12 20 25 पार्ट्स बन सकते हैं इसके ना ठीक है तो कोई मसला नहीं हम उसको कवर करेंगे सही है उसके बाद एक और चीज़ जो कि बताने वाली थी ये कि अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प रिगार्डिंग एमडी कैट ठीक है स्पेशली एमडी कैट या एफएससी आपका कोई भी बोर्ड है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू यूट्यूब चैनल एज वेल ठीक है अदरवाइज अगर आप इस मुझे फेसबुक पे करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड थ्रू माई वेब एंड थ्रू माई पिंटरेस्ट अकाउंट एज वेल ठीक है तो हम इन सबसे मैं उनसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके अलावा चलते हैं जो है अपने टॉपिक की तरफ मेरे पास यहाँ पे मटेरियल जो है वो पीडीएफ फॉर्म में कंपाइल मैंने इसके किया हुआ है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं एंड उम्मीद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी सो वॉच द वीडियो टिल द एंड ठीक है लेट्स गेट स्टार्टेड प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे काफ़ी ज़्यादा मटेरियल होगा तो यानी आपको आपकी भरपूर जो है हेल्प होगी तो ये थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं बड़ा ठीक है ये बुक की पिक है अगर देखना चाहें जिसमें आपके पास 1400 एमसीक्यूज होंगे पार्ट ऑफ स्पीचेस सारी ग्रामर जितनी यहाँ पे मेंशन हम सारा कवर करेंगे इंशाल्लाह तकरीबन ये सारी ग्रामर आ जाती है और ग्रामर बचती ही नहीं ठीक है सो इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे इसके कुछ कंटेंट हैं ठीक है कंटेंट हमने देखना नहीं है हमें किससे काम है हमें इसके फर्स्ट लेक्चर से उससे स्टार्ट करते हैं ठीक है सो ये कंटेंट ख़त्म हो जाए उसके बाद जो लेक्चर लेक्चर आएगा तो लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं ठीक है सो नाओ यहाँ से अब ये हमारे पास स्टार्ट होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच अब देखिए पार्ट ऑफ स्पीच का करना क्यों ज़रूरी है कि आपके जितने भी सेंटेंस हैं ठीक है आप जितने भी सेंटेंस हैं आप उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनका स्ट्रक्चर इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच से यानी इन्हीं पार्ट से मिलकर बनता है आप कभी भी ऐसा नहीं है कि आप वर्ब छोड़ दें एडजेक्टिव छोड़ दें प्रपोजिशन छोड़ दें और कहें कि मेरा इससे इसके ये कभी यूज़ नहीं होगा और इसके अलावा मेरे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तो ये आप मतलब कभी भी पॉसिबल ही नहीं है ठीक है तो ये नहीं अब इसमें जहाँ पे जो हमारे पास जस्ट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है इनमें इसमें ज़्यादा इतना कुछ नहीं दिया हुआ लेकिन जो आपके पास होगा क्या कहते हैं हम आगे जाए इसको थॉरली जाके डिस्कस करेंगे ठीक है तो इसमें आपके पास जो हम पहला इसको डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास है नाउन ठीक है नाउन को डिस्कस कर लेते हैं कि नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग ठीक हो गया ये मतलब सिंपल सी बेसिक कॉन्सेप्ट है अकबर वॉज अ ग्रेट किंग लाहौर इज ऑन द रावी द सन शाइन्स ब्राइटली द रोज स्मेल स्वीट His courage won him honor. ठीक है सिंपल सी बात होगी इसके अलावा चलते हैं आगे यहाँ पे हमने नोट दिया हुआ है कुछ वो देख लेते हैं कि क्या कहा हुआ है ठीक है यहाँ पे आपके पास गिवन है कि द वर्ड थिंग्स इंक्लूड ऑल द ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी हेयर टच टेस्ट और स्मेल समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव यानी अब यहाँ पे थिंग्स जो है वो आप ये कह सकते हैं यहाँ किसकी बात हो रही है कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों की बात हो रही है यानी आप जिनको छू सकते हैं वो भी इंक्लूडेड है मतलब छू सकते हैं स्मेल कर सकते हैं टेस्ट टच कर सकते हैं और जिनको जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं लाइक हैप्पीनेस इमेजिन कर सकते हैं ना तो वो ऐसी चीज़ें जो है वो भी आपके पास नाउन में आती हैं ठीक हो गया आगे चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव सो ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑब्जेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन ठीक है यानी नाउन में एडिशन करता है ताकि नाउन की जो इंपॉर्टेंस है या नाउन के हवाले से जितनी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर हो जाए लाइक ही इज अ ब्रेव बॉय देयर 20 बॉयज इन द क्लास ठीक है अब इसके हम आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे बाकी डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर में डेफिनेशन नहीं आती पेपर में एमसीक्यूज आएगा आपको एक वर्ड जो अंडरलाइन कर देंगे और कहेंगे अब इसको आइडेंटिफाई करें नाउन है प्रोनाउन है क्या चीज़ है ठीक है तो हम उस चीज़ को करते हैं आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे तो परेशान नहीं होना नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है दैट इज प्रोनाउन ठीक है अब प्रोनाउन क्या है
अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन. अब देखिए मैंने कहा कि कायदे आजम वॉज अ ग्रेट लीडर, ठीक है. अब मैं क्या कहूँ, कायदे आजम वॉज अ ग्रेट लीडर एंड कायदे आजम अर्नड ऑनर, ठीक है. अब क्या कायदे आजम मैं बार बार यूज़ करता रहूँगा? नहीं, कायदे आजम बार बार यूज़ नहीं करूँगा, बट उसकी जगह मैं ही यूज़ करूँगा, ठीक है. तो ये जो है प्रोनाउन कहते हैं सिंपली इसको. आई नो कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट अब यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनको मतलब उनके बेसिक्स में इशू है, तो हमें सबको साथ लेके चलना है, ठीक है. सो वी फोकस ऑन ईच एंड एवरी वन. नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब. अब वर्ब क्या होता है? वर्ब जो है एक बहुत ही इसका वाइल्ड और आप ये कह सकते हैं ब्रॉड फील्ड है इसका, ठीक है. यानी आप ये कह सकते हैं कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपके जितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो इस वर्ब के गिर्द जो है वो सर्कुलेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, आप ये कह सकते हैं सराउंड करते हैं इसको, ठीक है. वर्ब इज़ अ यूज वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग. या आप ये कह लें कि किसी एक्शन को दिखाने का जो एक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग, ईटिंग, प्लेइंग, ये कोई भी काम है, दैट इज एक्शन. अब जो भी कोई एक्शन होता है वो आपके पास वर्ब में इंक्लूड होता है. उसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब, ठीक है. एडवर्ब क्या है इसमें, अब ये देख लेते हैं एंड देन बाकी भी देखते हैं. एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू मीनिंग ऑफ द वर्ब. अब देखिए एडजेक्टिव और एडवर्ब में माइनर सा डिफरेंस है. एडजेक्टिव जो है आपके पास नाउन के लिए यूज होता है, जबकि एडवर्ब जो है यानी एडवर्ब यानी वर्ब में एडिशन, ठीक है. दैट इज जो कि आपके वर्ब एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव को भी वो कर सकते हैं. यहाँ पे आप अगर आप देखें तो एडजेक्टिव को भी कर सकता है और ये किसी दूसरे एडवर्ब को भी कर सकता है. जरूरी नहीं है कि वह सिर्फ वर्ब को करे, ठीक है. इन तीनों को कर सकते हैं. ही वर्क द सम क्विकली, ठीक है. अब यहाँ पे अगर देखें तो ये जो क्विकली वर्ड है ये आपके पास जो है एडवर्ब है. अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं ना जो लास्ट में आते हैं स्पेशली, वो भी एडवर्ब होते हैं, तो आपको एक निशानी से मिल गई है, ठीक है. उसके बाद है प्रेपोजिशन. अब प्रेपोजिशन क्या है इसको देख लेते हैं. प्रेपोजिशन अ वर्ड यूज टू यूज विद नाउन और प्रोनाउन टू शो द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय अ नाउन और प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन टू अ समथिंग एल्स. यानी प्रेपोजिशन क्या है, आपको बताना पोजिशन बताना चाह रहा है. देखें कैट इज लाइंग या कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. अब कैट बैठी हुई है, कहाँ बैठी हुई है? ऑन द टेबल, ऑन दी. अब ऑन का वर्ड आ गया यहाँ पे. अब इसमें अगर देखें इन, ठीक है, इज फंड ऑफ, तो ये आपके पास जो सेट अंडर, तो ये नहीं मतलब डिफरेंट जो आपके पास यहाँ पे आप अगर इसमें करें तो आपको ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी प्रेपोजिशन के हवाले से. यानी लोकेशन या उस चीज़ को क्लियरेंस करने के लिए, ठीक है, आपको प्रेपोजिशन सिंपली यूज़ करते हैं. उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज कंजक्शन. वो क्या होती है उसको देख लेते हैं. कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस. यानी दो सेंटेंस के दरमियान जो ताल्लुक पैदा करता है दैट इज कंजक्शन. या आप ये कह सकते हैं उनको जो ज्वाइन करने का काम है वो कंजक्शन का. लाइक जावेद एंड जवेरिया आर कजन्स. अब जावेद एंड जवेरिया जो एंड वाला वर्ड आ गया दैट इज अ कंजक्शन देयर. उसके इरफान फास्ट, इरफान सॉरी इरान फास्ट बट मिस द ट्रेन, ठीक है. इरफान होगा आई थिंक सो, फास्ट बट मिस द ट्रेन, बट का वर्ड है. तो ये आप देख सकते हैं दो सेंटेंस हैं, ये एक और दूसरा ये, इन दोनों को आपस में वो मिला रहा है, ठीक हो गया. उसके अलावा चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ. आपने सबके नोट्स बनाते जाना है साथ साथ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हों, ठीक है. उसके अलावा टू एंड टू मेक्स फोर, यानी सिंपल ये भी है. उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आया था इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन क्या होता है कि आपकी फीलिंग, कोई भी फीलिंग हो उसको जो है एक्सप्रेस करने के लिए. लाइक हमने मैच जीत लिया, हम कहते हैं हुर्रे, ठीक है. या आप फॉर एग्जाम्पल कोई गमगीन बात है देन हम, या अफसोस का होता है तो हम कहते हैं अलास, ठीक है. अब ये देखें अगर यहाँ पर हम देखें हुर्रे या अलास, ये जो वर्ड हैं आपके पास इंटरजेक्शन होते हैं, ठीक है. और इसके अलावा और भी बहुत से आ जाते हैं डिफरेंट, और मतलब आप हम जहाँ पे जस्ट जो है आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है. यानी सडन फीलिंग को जो है वो आप यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है. उसके अलावा एज अ वर्ड्स, अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है. इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं इस चीज़ को कि इसमें क्या चीज़ क्लियर है. ये कुछ टिप्स हैं. एज अ वर्ड आर डिवाइडेड डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू वर्क इन सेंटेंस, इट इज क्लियर दैट वी कैन नॉट से टू विच पार्ट ऑफ स्पीच आर वर्ड बिलोंगिंग अनलेस वी सी. अब देखिए आपको पहले आइडिया कभी नहीं होगा. देखिए आपका एक सेंटेंस बना होता है ना, वो ये है कि हम कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि ये इसमें से मतलब ये पार्ट है या जो है ये किस पार्ट से बिलोंग करता है. तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें सेंटेंस को अच्छे से समझना होगा उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. लाइक एग्जाम्पल दी, दे अराइव्ड सोन आफ्टर, ठीक है. अब ये एडवर्ब के तौर पे यहाँ पे काम हो रहा है इसका, और दे अराइव आफ्टर अस प्रेपोजिशन. अब यहाँ पे आफ्टर जो है वो एडवर्ब है, यहाँ पे आफ्टर जो है प्रेपोजिशन है, दे अराइव आफ्टर वी हैड लेफ्ट. अब यहाँ पे आफ्टर जो है कंजक्शन है. यानी यूज पे डिपेंड करता है कि ये किस तरह यूज हो रहा है, वो आपके पास एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है. हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, सो डोंट वरी.
फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी सी दैट द सम सेम वर्ड्स कैन बी यूज एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी एक ही वर्ड्स है वो पार्ट ऑफ स्पीच पे डिपेंड, मतलब उसके हवाले से वो डिफरेंट हो जाएगा, उसके यूज को जब हम देखेंगे तो वो डिफरेंट होता है. अब इसके चलते हैं सॉल्व करते हैं कि ये कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में जो है आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे नेम पार्ट ऑफ स्पीच, अब इसमें हम अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज के लिए दिए गए. ठीक है, अब प्रैक्टिस के लिए क्यों दिए गए, मैं आपको यहाँ पे एक दो चीज़ें क्लियर कर दूँ. वो ये कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू वॉन्ट बी एबल टू इम्प्रूव योर सेल्फ. ठीक है, अब अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एक चीज़ बेटर है या एक चीज़ कंपल्सरी है, दैट इज़ कि आप अपने आप को एनालाइजेशन करें. जितना एनालाइज करेंगे देन यू विल बी एबल टू स्कोर गुड. ठीक है, और उससे जो है आप अच्छा जो है वो एक रिस्पॉन्स दे सकते हैं. सो इसमें जो है हम इनके आंसर्स देखेंगे या मतलब इनको सब कुछ सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो. हमने जो चीज़ पढ़ी वो आपको अच्छे से अच्छे क्लियर हो. ठीक है, चाहे थोड़ा पढ़ें जितना भी पढ़ें क्लियर जरूरी होना चाहिए आपको. सो हम इनके जो है इनको एक थोड़ा मतलब इसमें से मैं 4 से 5 सॉल्व करूँगा. ठीक है, बाकी आपने सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करने, ताकि ये है कि जस्ट वो अगर मैं सॉल्व करूँगा तो उसको कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज वो जस्ट मुझे फ़ायदा होगा. ठीक है, तो आप खुद करेंगे आपको वो चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी. सो यहाँ पे मैं कुछ आपको करके बता देता हूँ, बाकी आपने करने हैं खुद से. ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें जो फर्स्ट है हमारे पास स्टिल वाटर्स रन डीप. अब यहाँ पे जो स्टिल है वो किस तौर पे यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे स्टिल जो है दैट इज़ यूजिंग एज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्यों यूज़ हुआ है, देखें आपके पास यहाँ पे जो है वाटर जो है इसको ये फर्दर जो है वो मतलब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ वाई स्टिल इज़ अ एडजेक्टिव देयर. दूसरे में बात करें सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ. ठीक है, अब व्हील जो केम ऑफ का वर्ड है ये आपके पास एज एडवर्ब यूज़ हो रहा है. कैसे, क्योंकि जो केम है ना इस वर्ड को ये क्लैरिफाई कर रहा है, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा है. ही स्टिल लिव्स इन दिस हाउस. ठीक है, या इन द हाउस, तो यहाँ पे जो स्टिल वाला वर्ड है दैट इज़ एडजेक्टिव. ठीक है, जो यानी स्टिल आप हाउस के बारे में कह सकते हैं, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर रहा है. इसी तरह हम और देख लेते हैं द अप ट्रेन इज़ लेट. अब ये जो ये वाला देख लेते हैं द अप ट्रेन इज़ लेट. अब इसमें जो वर्ड अप है ये यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं है, ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो जो नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है वो हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव होता है. ये आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लेट अस मूव ऑन. अब ऑन का वर्ड आ गया बच्चे, इसको प्रपोजिशन में ले जाएंगे तो ये भी प्रपोजिशन नहीं है, ये भी एक वर्ड एडवर्ब है जो कि आपको मूव के बारे में बता रहा है. ठीक है, तो यानी ये यूज़ पे डिपेंड करता है. देखिए चीज़ें यहाँ देखिए स्टिल है, लेकिन क्या है जस्ट यूज़ से उसका डिफरेंस आ जाता है. यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश की. अगर यहाँ पे हम देखें सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, अब जो वर्ड वाइल है ना यहाँ पे ये एक नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है. ठीक है, यानी मतलब एक सिंपली आप ये कह सकते हैं कुछ टाइम पीरियड उसके लिए यूज़ हो रहा है. ठीक है, आई विल वॉच विल यू स्लीप. अब यहाँ पे जो विल है ना सॉरी वाइल जो है ये आपके पास ये भी एक नाउन है जो कि क्लियर कर रहा है वॉच को. ठीक है, या सॉरी आप इसको कह सकते हैं एडजेक्टिव है जो कि नाउन को जो नाउन दैट इज़ वॉच देयर इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है. नेक्स्ट है कि दे वॉयल अवे देर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स. अब जो यहाँ पे वॉयल है ना ये आपके पास एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो ये कुछ थे हमारे पास यहाँ पे. अगर इसमें देखें तो यहाँ पे ओनली वाला वर्ड आपके पास एडजेक्टिव एंड यॉर्ड वाला वर्ड जो है दैट इज़ एडजेक्टिव एज वेल. ठीक है, और एडजेक्टिव भी आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, ये भी आप कह सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बल्कि ये तो हो गया. तो ये जो थे प्रैक्टिस थे यानी तैयारी करने के लिए, आपकी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट. ठीक है, अब आते हैं थोड़ा नाउन की तरफ. नाउन को थोड़ा सा जो थॉरली डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये हमें देता है नाउन. ठीक है, अब नाउन और इसी काइंड हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है. सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर उन्होंने जो लिखा हुआ है इसको उधर देख लेते हैं, देन हम इसके टाइप्स की तरफ जाएंगे. अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू नेम. ठीक हो गया, द वर्ड थिंग इज यूज टू मीन एनी थिंग दैट वी कैन थिंक. अशोका वॉज अ वाइज किंग. ठीक है, मतलब अशोका को बता रहे हैं. द नाउन अशोका रेफर्स टू पर्टिकुलर किंग, बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू अनदर किंग एज वेल. अशोका वी कैन कॉल अशोका और प्रॉपर नाउन एंड किंग. ठीक है, अब यहाँ पे देखें प्रॉपर और कॉमन नाउन का बताया हुआ है, तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारे पास है. सॉरी ये ज़्यादा स्पीड में चला गया, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं अब लार्ज इन साइज देन इसको. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट है दैट इज़ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन देखिए सिंपली कॉमन होता है. ठीक है, कॉमन इस तरह है जिस तरह मैं कहता हूँ बॉल. ठीक है, या हम जिस तरह कहते हैं कि बोर्ड. अब बोर्ड ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, कोई मतलब कोई आप जब उसको स्पेसिफाई कर देते हैं तब वो प्रॉपर नाउन में आता है, अदरवाइज वो सिंपल है. अभी देखिए जिस तरह हम कहते हैं बॉय, अब बॉय कोई भी हो सकता है, अहमद हो सकता है, अली हो सकता है, कोई भी बॉय हो सकता है, बट हम जब उसको एक रेफरेंस पॉइंट या आप ये कह सकते हैं उसको फुली क्लियर कर देते हैं कि अहमद
अहमद इज अ बॉय. अब जब हमने अहमद कह दिया दैट इज अ प्रॉपर नाउन देयर, और वो बॉय जो है दैट इज कॉमन नाउन. ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी. इसमें अगर नीचे वाले में देखें, मैं इसमें भी यही चीज़ होगी, मैंने आपको पहले बता दी है कि प्रॉपर नाउन सम पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर द बिगनिंग. ये एक आपको आपको समझने की मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है. प्रॉपर नाउन आर सेम टाइम यूज एज कॉमन नाउन एज वेल. ठीक है, अब ये भी एक चीज़ है जो कि मे भी हो सकता है आपने पहले ना पढ़ी हो. ठीक है, कि ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन भी यूज हो सकते हैं. लाइक ही वॉज द लुकमान द वाइजेस्ट मैन ऑफ द हिज एज. ठीक है, अब यहाँ पे भी मतलब लुकमान वाइस्ट. अब ये जो वाइस का है ना, ये किसी और के लिए तो यूज़ हो सकता है. खालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामिस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, यानी मतलब कुछ सिंपल वर्ड्स को भी हम उसको एज अ यूज़ कर लेते हैं प्रॉपर नाउन के तौर पे. नेक्स्ट है कॉमन नाउन्स एग्जांपल की वट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब जो कॉमन नाउन्स आ गया, हम इसके मतलब कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं. तो ये कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक दूसरे को उलट नहीं होते, बल्कि जो आपके पास होते हैं, सॉरी एक मिनट, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्कस. यहाँ पे हमारे पास है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन देखिए, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सिंपली कलेक्टिव नाउन आप ये कह सकते हैं कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे पास कीज़. अब वो कीज़ जो है वो बहुत सारी हो सकती हैं. ठीक है, लेकिन मैं अगर कहूँ ड्रायर कीज या सेफ केस कीज़. ठीक है, तो यानी जब मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि इसकी कीज़, तो आपके पास ही कलेक्टिव नाउन मतलब वो फिर कलेक्टिव नाउन नहीं होता, वो एक सिंगुलर में उसमें आ जाता है. लेकिन अगर हम कीज़ कहें दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन, लाइक क्राउड, मोब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी. ठीक है, द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड. अब यहाँ पे क्राउड जो है ये कब कलेक्टिव नाउन है. द फ्रेंच आर्मी, अब आर्मी कलेक्टिव नाउन. द जरी, ठीक है, एंड हर्ड ऑफ कैटल, तो ये आपके पास सारा कलेक्टिव नाउन है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये होता है, आप ये सिंपली कह लें ऐसी चीज़ें जिनको हम सिर्फ ख्याल कर सकते हैं, जस्ट वी कैन थिंक अबाउट दीज. ठीक है, अब उनको क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. लाइक गुडनेस, काइंडनेस, विटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस. ठीक है, आनेस्ट, विजडम, ब्रेवरी, लाफर, टैफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हैटर, चाइल्डहुड, बॉयहुड. ठीक है, एंड स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी. नेम्स ऑफ आर्ट एंड साइंस, लाइक जस्ट डिफरेंट हमारे पास हो सकते हैं, वो हमारे पास किस में आ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, जिनको हम थिंक मतलब सिर्फ थिंक कर सकते हैं, जस्ट सोच सकते हैं. वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, अ स्ट्रॉन्ग मैन, ब्यूटिफुल फ्लावर, बट वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दीज क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन थिंग एंड स्पीक ऑफ हैवी स्ट्रेंथ ब्यूटी ऑफ बाय देम सेल्फ. यानी कहने का मतलब ये है, जस्ट ऐसी चीज़ें जिनको हम सिर्फ अपने ख्यालात में ला सकते हैं, उनको हम एक्चुअल में देख नहीं सकते. दीज आर द क्या कह सकते हैं आप, एक्सट्रैक्ट नाउन. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ. ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या है. और अब इसमें अगर हम देखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते किससे, एडजेक्टिव से. ठीक है, वर्ब से, कॉमन नाउन से भी बन जाते हैं. लाइक चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड, स्लेवरी फ्रॉम स्लेव, ओबीनियंस फ्रॉम ओबे, ग्रोथ फ्रॉम ग्रो. ठीक है, और अगर इसका देखें, काइंडनेस फ्रॉम काइंड, ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट. मोस्ट ऑब्जेक्ट नाउन आर फॉर्म थस. ठीक है, यानी जो ज़्यादा बनते हैं वो किससे बनते हैं, एडजेक्टिव से बनते हैं. यानी आपको फॉर्मेशन का बताया हुआ. अब बात करते हैं आगे पार्ट ऑफ स्पीच को, जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. सॉरी, ये एक्सरसाइज जो है हम थोड़ी सी इसको डिस्कस करते हैं, देन आगे चलते हैं. अब एक्सरसाइज क्या कहता है कि पॉइंट आउट नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट. द क्राउड, अब यहाँ पे जो हम इसको करते हैं डिस्कस, द क्राउड वॉज वेरी बिग. ठीक है, अब क्राउड की बात करें तो दीज आर कलेक्टिव नाउन. ठीक है, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस. अब ये हैप्पीनेस दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन देयर, क्योंकि हम इसको जस्ट सोच सकते हैं. ठीक है, एंड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. ट्रूथ को किसने देखा है, नहीं, दैट्स अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, एंड ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स. अ बंच जो है दैट इज अ कलेक्टिव नाउन देयर. वी ऑल लव ऑनेस्टी. ऑनेस्टी ये एक भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. रिकोगनाइज योर वॉइस एट वंस. ठीक है, रिकोगनाइज्ड योर वॉइस एट वंस. अब रिकोगनाइज जो है ये भी आप ये कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है. आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स. ठीक है, क्लास दैट इज अ कलेक्टिव नाउन देयर. आवर टीम कलेक्टिव नाउन. द एलिफेंट हैज अ ग्रेट स्ट्रेंथ. अब स्ट्रेंथ तो नजर नहीं आती, सो इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन देयर. नेवर टेल अ लाई. ठीक है, अब लाई जो है किसने देखा है, नहीं, तो इट मीन्स देयर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सोलोमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम. विजडम इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्लीनलाइनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलाइनेस. दैट इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ही सेट्स अ हाई वैल्यू इन दिस टाइम. अब हाई वैल्यू, ठीक है, हाई वैल्यू या आप ये कह सकते हैं
किसके वाले से, जो है ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं इस तरह। इसमें कमेटी, कलेक्टिव नाउन, द स्ट्रीट ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज आर नॉटेड फॉर देयर क्रोक्स क्रोपनेस। ठीक, अब ये भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यानी आपको इससे क्लियर हो गया होगा जिसका कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। और इसके साथ साथ दूसरा जो आपके पास है कंक्रीट नाउन। ठीक है, कंक्रीट नाउन क्या होता है ये, क्योंकि कंक्रीट नाउन यहाँ पे मिसिंग है तो आपको क्लियर करता चलूँ। कंक्रीट नाउन वो चीज़ें होती हैं जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, उसको हम टच भी कर सकते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं उनको जस्ट हम फाइव सेंसेस में उसको नहीं ला सकते, जस्ट हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, अब लाइक हम कहते हैं बैग, अब बैग जो है दैट इज़ अ कंक्रीट नाउन। हम कहते हैं मोबाइल, दैट इज़ ऑल्सो कंक्रीट नाउन। बट वेन वी से एप्स, अब एप्स या एप्स भी आप ये कह सकते हैं, देख सकते हैं, तो हम इसके अलावा और जिस तरह हैप्पीनेस, ठीक है, तो ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट वन एंड टॉक अबाउट मस्कुलाइन फेमिनाइन। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स में, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं। अब क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स विद आवर लाइफ आर ऑफन पर्सनिफाइड एज ऑफन ऑफ स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर लिविंग बींग्स, वी देन रिगार्ड दैम एज मेल्स एंड फीमेल्स। The masculine gender is often applied to object remarking of strength and violence. Sun, summer, winter time, death, the sunset has become. देखिए, जिन चीज के पास पावर होती है, स्ट्रेंथ होता है, दीज आर मस्कुलाइन। ठीक है, फेमिनाइन में जो थोड़े से, मतलब मैं वो कंपेरिजन नहीं कर रहा, जस्ट आपको इस हवाले से जो कंसेप्ट है वो देना चाह रहा हूँ। तो फेमिनाइन में यानी फीमेल वगैरह, और ये मतलब आप ये कह सकते हैं स्ट्रेंथ के हवाले से थोड़ा जो है, यहाँ पर अगर हम देखें अप्लाई टू रिमार्केबल फॉर ब्यूटी। ठीक है, अब देखिए वहाँ पर क्या क्या चीज़ उन्होंने उनको टॉपिक बनाया हुआ था, फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। अब यहाँ पे अगर देखें वो ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेट ग्रेसफुलनेस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन हो सकते हैं, मून, अर्थ, स्प्रिंग, आटम, नेचर, लाइबिलिटी, ठीक है, मतलब कोई भी हो सकता है। द मून इज हाइडन फॉर फेस बिहाइंड अ कॉल क्लाउड, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्पल। द शिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म। ठीक है, द मोस्ट कॉमन प्रायोरिटी बट सर्टेन नाउन्स आर पर्सनिफाइड पोज टू स्पी आल्सो स्पोकन ऑफ एज शी। ठीक है, ठीक हो गया, यानी शिप को हम शी की तरह पढ़ते हैं, सो वी कैन कंक्लूड इट इन फेमिनाइन। ठीक हो गया, अब बात करते हैं थोड़ा सा इसका आगे, इसको फर्दर जो है वो करते हैं। वेव्स ऑफ फॉर्मिंग ऑफ द फेमिनाइन ऑफ नाउन बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स लाइक बैचलर, मेड। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनको बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक हो गया, बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, बक डू एंट, बुल, और इसको ऑक्स भी कहते हैं, मतलब कुछ बुक्स में ऑक्स या बुल भी आप कह सकते हैं, काउ, बुल, लॉक, हैफर। ठीक है, ये डिफरेंट आप इनको देख सकते हैं, इनको जस्ट देखिए याद करने की जरूरत नहीं होती, आज इसके बारे में एक बार रीड कर लें ताकि मतलब उसके लिए जरूरी अगर कभी जरूरत पड़ जाए देन यू विल बी एबल टू आंसर ऑल ऑफ दीज। बट एडिंग अ सिलेबल, ठीक है, अब कुछ भी हम एडिंग सिलेबल ऐड करके भी इसका आंसर लगा, लाइक आथर, आथरेस, बर्न, बैरन, बैरनेस, काउंट, काउंटनेस, ठीक है, काउंटेस सॉरी, जाइंट, जाइंटेस, हेयर, हेयरस, एंड हॉस्ट, हॉस्टेस, तो इन डिफरेंट आप इसमें वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं एक नेक्स्ट पेज पे, एंड हमारे पास यहाँ पे मैस्कुलाइन फेमिनाइन है, और इसमें भी कोई चीज़ें, टाइगर, टाइग्रेस, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर्स, ट्रेटर, ट्रेटर्स, ठीक है, तो डिफरेंट आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा सफिक्स ई डबल एस भी हम कुछ के लिए कॉमनली यूज करते हैं, लाइक मैस्कुलाइन फेमिनाइन हीरो, हीरोइन, एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूट्रेस, ठीक है। इसके अलावा कुछ काम जो है एज लगाते हैं, लाइक बुल काफ, काउ काफ, कुक स्पैरो, हैन स्पैरो, ठीक है, ही गॉट, शी गॉट, ही बियर, शी बियर, जैक एस, जेनी एस, तो यानी मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, आप इसको डिफरेंट, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड अंकल, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। सिंगुलर प्लूरल्स क्या होंगे, नोटिस द चेंज ऑफ फॉर्म इन द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर, लाइक ट्री, ट्रीज, बॉक्स, बॉक्सेस, ऑक्स, ऑक्सन, मैन, मीन, ठीक है, इसको जमा मतलब ई एन हो जाएगा। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स वन थिंग, द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट मोर देन वन, a noun that denote one or person thing is said to be in singular noun as boy, girl, cow, bird, tree, book, pen, ठीक है, यानी वो आप ये कह सकते हैं सिंगुलर है, ठीक है, तो उसका जो जमा हो जाएगा वो प्लूरल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हाउ प्लूरल्स आर मेड, यानी बनते कैसे, सो द प्लूरल्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। ठीक है, ये सिंपल सी कॉमन वन टू क्लास थ्री क्लास की बातें हैं, फिर भी हमें करना है क्योंकि हमने सारे को कवर करना है, सो हम इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करते हैं। बॉयज़ बॉयज़, ठीक है, बॉय बॉयज़ ऐसे लगा देते हैं, कुछ में हम जो है एस या ई एस लगा देते हैं, क्लासेस, ब्रशेज, कुछ में हम ओ लगा देते हैं, लाइक बेफलो, बेफलोज, मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज, और कुछ में जो हम ओ लगा देते हैं लाइक डायनमो, डायनमोज, सोलो, सोलोज, रेशो, रेशोज, ठीक है, कुछ में वाई लगा देते हैं लाइक बेबी, बेबीज, वाई हटा के आई एस लगा देते हैं।
ठीक हो गया, सिटी सिटीज एंड सेवरल चेंजिंग इन फोर्ट लाइक एफ हटा के इनका हमने आई या वी ई एस लगा दिया, ठीक हो गया, वाइव्स वॉव्स ठीक है, लिव्स और काव्स लीव्स, तो ये सारा आप देख सकते हैं, आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं, वो एक्सेप्शंस हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं, लाइक चीफ चीफ्स। अब देखिए यहाँ पे एफ है, एफ को रिमूव नहीं किया हमने, एस लगा दिया है, सो दीज आर द थिंग कि आप इसमें ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस होती हैं उनको अपने माइंड में रखना है और याद करने पड़ेंगे आपको। ड्वार्फ ड्वार्फ ठीक है, सेफ सेफ्स, सर्व सर्व्स, ब्रीफ ब्रीफ्स, हूफ हूफ्स, प्रूफ्स प्रूफ्स, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अ फ्यू नाउंस फ्रॉम द प्लूरल बाय चेंजिंग द वर्ड साइड वॉवल ऑफ द सिंगुलर एस लाइक मैन मैन, एम ई हमने लगा दिया, वुमेन इसी तरह वुमेन वुमेन, फूट फीट टूथ टीथ, ठीक है, एंड देयर आर सम फ्यू नाउंस दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एन टू द सिंगुलर लाइक ऑक्स ऑक्सन चाइल्ड चिल्ड्रन, ठीक हो गया। सम नाउंस हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक, यानी उनके सिंगुलर प्लूरल सेम होते हैं, लाइक स्वाइन शीप डियर कॉड ट्राउट सैल्मन। अच्छा एक और यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समटाइम यूज़ करते हैं फिश, हम समटाइम कहते हैं फिशेज, तो मुझे ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फिश कब यूज़ होता है और फिशेज कब यूज़ होता है, बिकॉज इसका एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है एंड आई होप कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, बट आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि कब हम फिश और कब फिशेज यूज़ करते हैं, मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि सिंगुलर प्लूरल, स्वाइन शीप डियर कॉड, ठीक है, पेयर डॉजन स्कोर ग्रॉस 100,000, आई बॉट 3 dozen ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंजेस, तो यानी इनका आप ये कह सकते हैं इनका कोई आपके पास प्लूरल नहीं होता, जस्ट सिंगुलर होते हैं, सेम होते हैं, सिंगुलर प्लूरल सेम होते हैं। सम नाउन्स आर यूज इन ओनली प्लूरल, इन प्लूरल, ठीक है, नेम इंस्ट्रूमेंट विच हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर्स, बेलोज सीजर्स टोंग्स, यानी ये जो हमेशा प्लूरल्स में यूज होते हैं, ठीक है, नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल लाइक ट्राउजर्स ड्रायर्स ब्रिचेज, ये भी प्लूरल में, नेम ऑफ डिजीज मेजल्स मम्प्स, ठीक है, नेम ऑफ गेम्स बिलर्ड्स ड्रॉट्स, सर्टेन अदर नाउन्स लाइक एनल्स थैंक्स थैंक्स प्रोसीड टाइडिंग्स इन्वायरमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट आपके पास वर्ड्स हैं। उसके बाद है सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगल आर नाउ जनरली यूज इन प्लूरल, यानी कुछ सिंगल थे हम उनको प्लूरल में भी यूज करते हैं, लाइक आर्म्स रिचेज एब्स है तो सिंगुलर बट हम इसको प्लूरल में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है द फॉलोइंग प्लूरल फॉर्म्स आर कॉमनली यूज एज सिंगुलर, ठीक है, यानी सिंगुलर यूज होते हैं। अब ये डिपेंड करता है, ठीक है, मैथमेटिक्स फिजिक्स मैकेनिक्स, अब देखिए एस लगा हुआ है, लगता तो ऐसे प्लूरल है बट दे आर सिंगुलर, ठीक है, नो न्यूज इज गुड न्यूज, यानी न्यूज यहाँ पे सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, आपने याद रखना है। मीन यूज एदर एज प्लूरल और मीन को प्लूरल और उसके दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, मीनिंग ऑफ वेल्थ इट इज ऑलवेज प्लूरल। अब ही सक्सेसेड बाय दिस मीन्स इन पासिंग द एग्जाम, ठीक है, और बाय दीज मीन्स, यानी इसमें अब ये आप देख सकते हैं, हिज मीन्स आर स्मॉल बट ही हैज इनक्योर्ड नो डेप्ट, ठीक हो गया। सर्टेन कलेक्टिव नाउन था सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज एज प्लूरल, अब कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जो कि प्लूरल में यूज होते हैं, ठीक है, हम उस पर देखते हैं, लाइक पोल्ट्री कैटल वर्मिन, ठीक है, एंड जेंट्री जेंट्री, अब दीज पोल्ट्री आर माइन, ठीक है। अब ये भी जो आपके पास आप अगर देखें तो ये प्लूरल एज अ प्लूरल यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो तकरीबन कलेक्टिव नाउन प्लूरल ही यूज होते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के अलावा, देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, ठीक है। नोट, अब यहाँ पे एक नोट दिया है, एज अ कॉमन नाउन पीपल मीन्स नेशन यूज इन बोथ सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, अब ये बोथ सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज हो सकता है। फ्रेंच आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड ब्रेव पीपल, देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल इन यूरोप, ठीक हो गया। अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स नेक्स्ट लेवल के उसमें देखते हैं, अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग टू द प्रिंसिपल वर्ड इज लाइक कमांडर इन चीफ कमांडर इन चीफ कमांडर्स इन चीफ, देखें इसका जो पहला वर्ड है हम इसको चेंज कर रहे हैं, नॉट इन द सेकेंड, ठीक है, तो पहले वाले में आपने चेंज करना है, कोट ऑफ मेल कोट्स ऑफ मेल, सन इन लॉ सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ डॉटर इन लॉ, ठीक है, इसी तरह मैन ऑफ वॉर मीन ऑफ वॉर मीन ऑफ वॉर। वी से स्पूनफुल्स एंड हैंडफुल बिकॉज स्पूनफुल हैंडफुल आर रिगार्डेड एज वन वर्ड, ठीक है, स्पूनफुल और हैंडफुल एक ऐसे वर्ड्स हैं जो कि दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, सो वी यूज जब अगर इन्हें दोनों को यूज करें देन आवर सेंटेंस विल बी रॉन्ग, ठीक है, सो यूज वन ऑफ दिस। नोट दैट द प्रॉपर नाउन, अब यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने नोट दिया हुआ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही चीज़ होती है टिप्स एंड ट्रिक्स साथ होते हैं, नाउन ब्राह्मण एंड मुस्लिम आर नॉट कंपाउंड एट ऑफ मैन, देयर फॉर देयर प्लूरल्स आर ब्राह्मण्स एंड मुस्लिम्स, ठीक है, मैन नाउन्स टेक फ्रॉम द फॉरेन लैंग्वेज कीप देयर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म, अब यहाँ जिस तरह फ्रॉम लैटिन मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया वो उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है,
तो थोड़ा चलते हैं आगे एंड देन डिस्कस द नेक्स्ट वन. लाइक हमारे पास यहाँ पे वर्ड है इरेक्टम, इरेक्टा, ठीक है, फार्मूला, फार्मूले, इंडेक्स, इंडाइसेस, इन कुछ डिफरेंट वर्ड्स हैं फ्रॉम ग्रीक एक्सिस, एक्सिस, पैरेंथीसिस, पैरेंथीसिस, क्राइसिस, क्राइसिस, ठीक है, फ्रॉम इंडिया बैंडित, बंदित, बंदिती, ठीक है, जिसको मतलब इनका वो है उसके वाले से, फ्रॉम फ्रेंच लाइक मैडमी, मैडम को कहते हैं, तो मेस दमास, मेस डैम्स, ठीक है, इन्हें बहुत ही एक चेंज आ जाता है अगर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के जाते हैं तो. हम इसको छोड़ते हैं. सम नाउन हैव टू फॉर्म्स ऑफ फॉर द प्योर, ठीक है, ब्रदर, ब्रदर्स, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट, ब्रदरन, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी, ठीक हो गया, यानी उनके दो आप मीनिंग आपको देखने को मिल जाते हैं. लाइक फिश, फिश टेक सेपरेटली, फिश कलेक्टिवली, ठीक है, टेकन सेपरेटली. अब यहाँ पे एक इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लेकिन इसका एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. अगर नहीं बता पाए तो दो में नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर कर दूंगा. सब नाउन्स हैव टू मीनिंग्स इन द सिंगुलर बट ओनली वन इन प्लूरल, लाइक लाइट, अ लैम्प, रेडियंस, अब ये भी एक लैम्प में आ जाता है, लाइट्स, लाइट्स, ठीक है, लैम्प्स आप कह सकते हैं, पीपल, पीपल्स, नेशन, नेशंस, मैन एंड वुमेन, ठीक है, मतलब सारा कॉम्बिनेशन आ जाता है. उसके बाद हमारे पास बात आती है नेक्स्ट जो है हमारे पावर, डस्ट, ठीक है, सम नाउन हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर. तो ये जस्ट सारे रीड करने वाले हैं, ठीक है, एंड आई विल शेयर ऑल दीज इन अ पीडीएफ फॉर्मेट इन लिंक, ठीक है, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू विल चेक इट लेटर. सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन द सिंगुलर प्लूरल, लाइक एडवाइस, काउंसिल, एडवाइसेज, इन्फॉर्मेशन, एयर, ट्रा, एटमोसफेयर, एयर्स, अफेक्टेड मेंबर्स, मैनर्स, गुड, बेनिफिट, वेल बींग, गुड्स, मर्चेंडाइज, ठीक है, तो ये नहीं, डिफरेंट फोर्स, स्टॉप्स, आयरन, फीचर्स, फोर्स, स्ट्रेंथ, तो यू कैन फाइंड देयर डिफरेंट लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, ये लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट देयर. उसके बाद जो हमारा लास्ट पेज आ जाता है उसमें भी इतना कुछ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव नो प्लूरल, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है, कभी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को करना है ये एक आप कह सकते हैं आपके पास की पॉइंट है, ठीक है. की पॉइंट क्या है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी प्लूरल आपके पास नहीं होगा, कभी भी आप उसका नहीं बना सकते, ठीक है, की पॉइंट नोट कर लें कि कभी भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते. आपने अगर आइडेंटिफाई करना हो देन यू विल बी एबल टू, कि आपने उस चीज़ को देखना है कि उसका आप प्लूरल बना सकते हैं या नहीं. अब देखिए, होप, होप, होप्स बना सकते हैं, नहीं, काइंड, काइंडनेस बना सकते हैं, काइंडनेसेस बना सकते हैं, नहीं, ठीक है, इसी तरह ये एक्ट ऑफ काइंडनेस, तो ये नहीं, वो डिफरेंट हो जाता है, उससे रॉन्ग हो जाता है, ठीक है. वेन सच वर्ड्स टू बी अपेयर इन द प्लूरल दे आर यूज एज अ कॉमन नाउन्स, ठीक है, अगर वो ऐसे हों तो वो कॉमन नाउन के तौर पर यूज होते हैं, नॉट एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लाइक वेन सच वर्ड्स आर यूज इन प्लूरल दे बिकम कॉमन नाउन, लाइक कॉपर, कॉपर, कॉपर क्वाइंस, ठीक है, आयरन, फीटर्स, टिनी कैंस मेड ऑफ टिन एंड वुड, फॉरेस्ट, यानी एज ए कॉमन नाउन यूज हो रहे हैं. अब यहाँ पे आयरन, आयरन तो है, जरूरी लोहे की बात नहीं हो रही, मतलब वो जो एक आयरन को वो नहीं किया हुआ, आयरन यहाँ पे कोई भी लोहे की यानी आप बात कर रहे हैं, ठीक है. इस तरह वुड की बात करें, वुड जंगल में होता है, अब वो वुड कोई भी हो सकता है, अब वुड कोई एक नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इससे क्लियर हो रही होंगी, ठीक हो गया. सो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपको इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है. आपको कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल आंसर, ठीक है, एंड कोई आपने कोई सजेशन वगैरह देनी हो देन यू कैन आस्क एज वेल. और इसके अलावा अब ये एक वीडियो थी, तो इसके अलावा बाकी इंशाल्लाह वीडियोज़ की बनती रहेंगी. एंड फर्दर मोर आपको इस चैनल पे इंशाल्लाह एमडी कैट के जो है वो एक प्रॉपर स्केड्यूल वाइज लेक्चर्स मिलते रहेंगे एंड यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दिस, ठीक है, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, कोई आप उसमें चार्जेस आप मतलब ये आपको पता ही है यूट्यूब पे कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते, यू जस्ट हैव टू वॉच द वीडियो एंड क्लियर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.